यहाँ बात करते हैं कुछ खाने पीने की, तो सियालकोट की एक ऐसी गली जिसमें रबड़ी वाला दूध और ठंडी ठार रसमलाई और मिक्स फालूदा की पूरे सियालकोट में धूम मची हुई है, जिसे खाने के लिए शहरी दूसरे शहरों से भी आते हैं। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा ईमान की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल नाजरीन, गर्मी हो और ठंडी ठंडी रसमलाई ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ मैं मौजूद हूँ सियालकोट सालूगुजर गली में, और ये शॉप जोन सी है सियालकोट सालूगुजर के नाम से इन्होंने दुकान डाली हुई है। आइए इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि इनके रसमलाई में ऐसा क्या है कि जो इनके पास अच्छा खासा राशन लगा रहता है और लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं इनसे खाने। आइए इनसे मरीज जाके बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। सर बताएं आपकी रसमलाई में ऐसा क्या है जो लोग दूर दूर से आके खाते हैं? सर रसमलाई में पहले तो बात ये है, हमारा अपनी डेयरी का दूध होता है और ये हालस दूध से बनाई जाती है। दूसरे नंबर पे ये देसी तरीके से बनाई जाती है, इस वजह से लोग जोधर जोधर आते हैं और खाते हैं रसमलाई। और ये हमारी रसमलाई आउट ऑफ सिटी में भी बहुत जाती है, दूसरे शहरों में भी बहुत जाती है। अच्छा, रसमलाई के अलावा एक आपके रबड़ी वाली दूध की भी बड़ी बात सुनी है, उसमें ऐसा क्या खास बात? अल्हम्दुलिल्लाह रबड़ी वाला दूध तकरीबन पिछले 75 साल से हमारा चल रहा है, और सियालकोट में ईजाद करने वाले मेरे वालिद साहब थे रबड़ी दूध ईजाद करने वाले, और बाद में ये सब लोगों ने शुरू किया। और रबड़ी दूध का म्यार आपको इस तरह सा कहीं नहीं मिलेगा। उस दूध में आप डालते क्या क्या? उसमें आपको मैं बना के दिखाता हूँ। ले जी, आपको हम लाइव जोन से रबड़ी वाला दूध बनाते हुए दिखाना चाहते हैं, देखें जी कैसे बनाते हैं। अच्छा, इसमें आप सबसे पहले क्या डालेंगे? सर इसमें पहले गूंद कतीरा डालेगा, उसके बाद लच्छे डालेंगे, उसके बाद फालूदा डालेगा, उसके बाद बादाम डालेंगे। ये तो एक भी मिनी फालूदा बन गया ना। फालूदा एक अलग आइटम है, मगर थोड़ी सी रबड़ी फालूदे की रबड़ी डालती है इसमें। देखे ना ये गिलास है, इसमें थोड़ा सा गूंद कतीरा जाएगा अभी, और ये साथ में लच्छे बने हुए हैं हमारे। और ये साथ में रबड़ी जाएगी, उसके बाद रूह अफजा जाएगा इसमें, उसके बाद ये कोकोनट, कोकोनट का चम्मच, ये बादामों का चम्मच, और फिर इसमें दूध ऐड होगा। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन ये देखे रबड़ी वाला दूध जो है स्पेशल वो तैयार हो रहा है, जिसकी डिमांड पूरे सियालकोट में मशहूर है। उसके बाद ये हमारी स्पेशल रसमलाई का जाएगा ये शीरा, और उसके बाद फिर एक दफा बादाम ऐड होगा। क्या बात है जी, क्या बात। अच्छा तो ये ग्लास जो है ये कितने का होते हैं? ये 500 का ले रहे हैं, 500 का। नाजरीन इस वक्त में ऐसा शहरी भी कुछ मौजूद है जो इनकी रबड़ी जो वो जो अपना रसमलाई खा रहे थे, आइए इनसे जानते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। आम दुकानदार से बेहतर है और क्वालिटी भी अच्छी है, और हम लोग इधर से आके खाते हैं, एंजॉय करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। ये हम स्पेशल यहाँ पे ना रसमलाई खाने आते हैं, तो मुझे तो 25 साल हो गए यहाँ पे आते हुए, तो माशाल्लाह हमें तो बहुत ही, हम कहीं और जाते ही नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा आपने जाना शहरी बता रहे थे कि हम काफी दूर से आते हैं इनके पास स्पेशल रसमलाई खाने और रबड़ी वाला दूध पीने,